स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे दिसंबर 2022 का रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बाकी था, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है? तो आप लोग अगर मतलब समझने के लिए आए हैं तो ये वीडियो नहीं है, आप लोग पहले बुक पढ़िए, ठीक है? उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। और जो मतलब पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी, तो वो बाद में आएगा, ठीक है? अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ आंसर से काम चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2A क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वी एक्स वी वाई वी जेड विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम एस विच इज एट रेस्ट, ठीक है? यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी डैश, जहाँ पर वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश है, रिलेटिव द इनर्शियल फ्रेम एस डैश व्हिच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड वी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है? तो वी एक्स डैश वी वाई डैश एंड जेड डैश निकालना है। तो भी यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में है। इस तरीके से आप लोगों को दो यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर लेना है। वी डैश क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर वी स्पीड में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पर देखिए ये दोनों पिक्चर फिगर जो है ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? ये हो रहा है वी और ये हो रहा है वी डैश। एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एक्स जेड वाई जेड वाई डैश जेड डैश है, और यहाँ पर वी ऑफ एक्स है, और यहाँ से ये भी स्पीड से इस साइड में मूव हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से लेट अस कंसीडर एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी। तो एक्स डैश दिस इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी आ जाएगा, एंड टी डैश दिस इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। डी एक्स डैश दिस इज इक्वल्स टू गामा इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर इसको डेरिवेटिव कर लिया, इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, डी टी डैश दिस इज इक्वल्स टू गामा इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एक्स डैश दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, तो डी एक्स माइनस वी डी टी बाई डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से मतलब ये फॉर्म में आ जाएगा, वी एक्स डैश दिस इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी बाई वन माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई डैश जेड डैश की भी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वी वाई डैश दिस इज इक्वल्स टू वी वाई बाई गामा इंटू वन माइनस वी एक्स वी वाई सी स्क्वायर, एंड वी जेड डैश दिस इज इक्वल्स टू वी जेड गामा बाई गामा इंटू वन माइनस वी एक्स वी वाई सी स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो रहा है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B है। क्वेश्चन नंबर 2B क्या है? लाइट टेक्स 4.8 ईयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम स्टार्स टू अर्थ, ठीक है? एक स्टार से अर्थ में आने के लिए उसका टाइम कितना लग रहा है, 4.8 ईयर्स। तो ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पर लाइट इतना लाइट ईयर है उसका डिस्टेंस, तो यहाँ पर उस स्टार से अर्थ का डिस्टेंस क्या है, 4.8 लाइट ईयर्स, ठीक है? इफ एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू दिस स्टार एट द स्पीड ऑफ 0.80 C, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉट क्लॉक, ठीक है? एस्ट्रोनॉट के क्लॉक में कितना टाइम लगेगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2B है, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन के जैसा ही है, यूनिट 2 का यूनिट 3 का यहाँ पर टर्मिनल क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 या यूनिट 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 2B कर रहे हैं, 4.8 लाइट ईयर लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार टू अर्थ इज 4.8 लाइट ईयर, ठीक है? तो यहाँ से क्या और क्या है, एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स एट द स्पीड 0.80 C, ठीक है? द टाइम टेकन बाय एस्ट्रोनॉट is delta t, this is equals to 4.8 C by 0.80 C years, इतना distance है
वो इतना जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 6 ईयर्स लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा तब क्या हो जाएगा, उसका क्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, सिंस द एस्ट्रोनॉट क्लॉक इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू हर, हिम और हर लिख रहे हैं, तो इस इट मेजर्स प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी डस्ट एंड द क्लॉक ऑन द अर्थ मेजर्स द इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी दिस इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा टी डेस्ट। तो पहले तो हमें गामा की वैल्यू निकालना है, तो गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अच्छा डेल्टा टी डेस्ट लिख लेते हैं, डेल्टा टी डेस्ट दिस इज इक्वल्स टू 4.8 बाई गामा। डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4.8, 4.8 यहाँ पर वैल्यू आया है। और फिर यहाँ पर क्या है, फॉर्म गामा दिस इज इक्वल्स टू 0.80 सी, सॉरी भी की वैल्यू तो हमारे पास है, गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 माइनस 0.8080 0.80 स्क्वायर एन सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका होल पावर हाफ है। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 बाई 1 माइनस 0.64 इसके पावर में हाफ, मतलब यहाँ पर 1 बाई 0.36 इसके पावर में हाफ, मतलब 1 बाई 0.6, 1 बाई 0.6 1.6 आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टी डस्ट दिस इज इक्वल्स टू 4.8 बाई 1.6 ईयर्स दिस इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। तो इट टेकेंस 6 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स इन हर क्लॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तीन हमें निकालना है। ऑफ प्रोटॉन ट्रैवलिंग स्पीड 0.6 सी, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट एनर्जी 938 MeV लग रहा है, ठीक है। और टोटल एनर्जी निकालेंगे, उससे माइनस करेंगे 938, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2C, लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज पी इक्वल्स टू m0 v बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v² बाई c² दिस इज इक्वल्स टू पी का एम मास क्या है, 1.67 × 10⁻²⁷ kg इंटू वी क्या है, 0.6 c बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.36 c² बाई c² तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.67 × 0.6 c इंटू इंटू यहाँ पर 10⁻²⁷ बाई 0.8 आ जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 0.36 मतलब 0.84 रूट के अंदर सॉरी 64, तो वो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, 3.75 × 10⁻¹⁹ kg/s ठीक है। उसके बाद टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, ऑफ द प्रोटॉन इज ई इक्वल्स टू mc² दिस इज इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻²⁷ बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.36 × 9 × 10⁻⁙ जूल। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, 18.78 × 10⁻¹ जूल आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 1.67
8 7 8 इंटू 10 to the power 10, इसको यहाँ पर 10 to the -10 कर रहे हैं, इतना जूल बाय 1.6 इंटू 10 to the -13 करेंगे तो जूल क्या हो जाएगा हमारे पास, MeV आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1173 MeV, M कैपिटल M है, MeV आ रहा है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इससे माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज एम सी स्क्वायर माइनस M0 सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1173 माइनस 983 MeV, दिस इज इक्वल्स टू 235 MeV, दिस इज इक्वल्स टू 235 इंटू 1.6 इंटू 10 to the -13 जूल, दिस इज इक्वल्स टू 3.76 इंटू 10 to the -11 जूल। ठीक है, ये हो रहा है आंसर। जूल में भी कर सकते हैं, एमईवी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आंसर ऑफ टू पार्ट्स, यहाँ पर सब करेंगे। E3 क्या है, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पर साई x, दिस इज इक्वल्स टू e^x एंड e^-x फॉर x लेस देन 0 में, x ग्रेटर देन 0 में। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है जब साई स्टार एंड साई एंड साई स्टार वो क्या हो जाता है यहाँ पर, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एंड साई स्टार, ये यहाँ पर डी एक्स करेंगे, ये इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज बोलते हैं। तो हम 1 हो रहा है या नहीं ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर साई क्या है, दो अलग अलग है। ठीक है, 0 to infinity के लिए यहाँ पर ये e^-x है, और यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए e^x है, क्योंकि माइनस में वो e^x होता है और प्लस में e^-x होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 में क्या आ जाएगा, e^x, एंड e^x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, e^x का यहाँ पर स्टार मतलब क्या है उसका, ये a+ib एंड a-ib, ये होता है ना इस तरीके से, उसका ये क्या होता है यहाँ पर कंजुगेट, सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी, कंजुगेट, इसका कंजुगेट हो रहा है। तो इस e^x का कंजुगेट e^x ही हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 to infinity में क्या आ जाएगा, e^-x इंटू e^-x, देखिए कंजुगेट जब यहाँ पर e^ix होगा तब वहाँ पर -e^ix करेंगे। ठीक है, मैं e^-ix करेंगे, पर यहाँ पर तो रियल है तो उसका कंजुगेट वही टर्म होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity e^-2x dx, एंड प्लस इसको अगर हम 0 to infinity करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e^2t dt। ठीक है, x को अगर हम t मानेंगे तो, अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है ये, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू नहीं निकल पा रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू हाफ आएगा, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है, ये नॉर्मलाइज हो जाता है। तो यहाँ से और प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 0 to 2 में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 साई एंड साई डेस्ट साई स्टार यहाँ पर dx, दिस उसी तरीके से इंटीग्रेशन 0 to 2 e^-2x dx, क्योंकि 0 to 2 पॉजिटिव है इस वजह से e^-x आ गया। ठीक है, e^-2x बाई यहाँ पर -2 e^-mx बाई m होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो e^-4 बाई -2 एंड फिर -e^0 मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस में प्लस हाफ आ जाएगा, हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 - e^-4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो रहा आंसर, प्रोबेबिलिटी भी निकल गया। उसके बाद 3 का बी, यूज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम हमें निकालना है, एक एटम का अप्रोक्सीमेट साइज। तो उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर बुक में ही है, दिखा देते हैं। ठीक है, साइज ऑफ एन एटम, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम। तो इस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लिया गया है, तो पहले यहाँ से करना है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकालना है, तो
यहाँ पर डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली आर होगा, अनसर्टेनिटी इन हिज इन इट्स मोमेंटम डेल पी, ये ग्रेटर इक्वल्स टू एच बाई टू आर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल पी दिस इज इक्वल्स टू एच बाई टू आर, के इक्वल्स टू इक्वेलेंस टू ए स्क्वायर बाई एट एम ई आर स्क्वायर। तो ई ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी पी स्क्वायर बाई टू एम ई माइनस ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहाँ से साइज निकालने के लिए दिस इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। ठीक है, तो आर जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.013 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एटम का साइज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हार्मिटियन ऑपरेटर एंड सो दैट हार्मिटियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है, हार्मिटियन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है, रियल होता है। तो 6.5.3 था ये। ठीक है, मतलब यूनिट 6 का था यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब हार्मिटियन ऑपरेटर क्या हो रहा है, इसके लिए देखेंगे। हार्मिटियन ऑपरेटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर, एन ऑपरेटर डी इज सेड टू बी हार्मिटियन ऑपरेटर इफ फॉर एनी टू स्टेट ऑफ द सिस्टम फाई एंड साई क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई स्टार डी साई डी टाउ, दिस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डी यहाँ पर फाई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, ये अगर हो जाए तो उस ऑपरेटर को हम हार्मिटियन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया गया, हार्मिटियन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल नंबर हो रहा है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि सो दैट हर्मिटियन ऑपरेटर ए हैज रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इसका प्रूफ यहाँ पर दिया गया है, ए साई दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल ए साई, तो साई क्या हो रहा है, आइगन फंक्शन एंड ए क्या हो रहा है, आइगन वैल्यू। तो यहाँ से हार्मिटियन हो जाए तो ट्रिपल इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ए साई स्टार यहाँ पर साई डी टाउ हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन एन 1 2 से देखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0। तो ए माइनस ए स्टार दिस इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, ए इक्वल्स टू ए स्टार हो रहा है। इसका मतलब हर्मिटियन ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू हो रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है, रियल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए क्या है, पार्टिकल, एक पार्टिकल कन्फर्म्ड विद इन लेंथ सेगमेंट लाइन बिटवीन एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एल। तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना है फॉर द पार्टिकल एंड आइगन फंक्शन निकालना है एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज सो दैट द आइगन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए कि एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एल में यहाँ पर इक्वेशन क्या होता है, ये वी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन का इक्वेशन होता है 0 फॉर 0 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस और इक्वल्स टू एल, इन्फिनिटी होता है एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन एल में। यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ई साई साई ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला गया है, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑब्टेन आइगन फंक्शन। ठीक है, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, देखिए आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन एंड आइगन फंक्शन यहाँ पर साई ऑफ एन एक्स दिस इज इक्वल्स टू पावर ऑफ टू बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन दिस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर स्क्वायर बाई टू एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये सब आ गया। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोले हैं, सो दैट आइगन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल, ये देखिए आइगन फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ये तो लिखा हुआ है पर आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होता है ये लिखा हुआ है, पर इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, शायद बुक में, यहाँ पर ही आप लोग एक बार ढूंढ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट
पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग स्टेप पोटेंशियल वी एक्स दिस इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो वी जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो. ऑब्टेन जनरल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एनर्जी पार्टिकल ई लेस देन वी जीरो स्टेट बाउंड्री कंडीशन. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे. ये देखिए यहाँ पर वी जीरो निकालने के लिए बोला गया है. सॉरी, यहाँ पर ये देखिए वी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड वी जीरो ग्रेटर देन जीरो. इसके लिए यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है. ये देखिए ये वाला, ये यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा और ये इसका श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा और ये इसका बाउंड्री कंडीशन हो रहा है. साई वन एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू साई टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, बाउंड्री कंडीशन हो गया. उसके बाद देखिए रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड प्रोबेबली डेंसिटीज ये यहाँ पर निकालना है. ये देखिए निकालना है यहाँ पर क्या है ये बोल रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है, ये पी वन ये लिख दीजिएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग द रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन. यहाँ पर ये 10.5 एंड 10.7 ये लिख दीजिएगा, 10.5 एंड 10.7 बस. या फिर वो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया उसी तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पर साई टू एक्स ये एक हो रहा है, यहां से निकाल सकते हैं. एंड यहां से साई वन एक्स, ठीक है, साई वन एक्स साई टू एक्स लिया गया है. अच्छा, इसका जो यहाँ पर आंसर दिया गया है इस आंसर को ही एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है, एस ए क्यू वन जो है, एस ए क्यू वन को एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर, राइट द मेन फीचर ऑफ द कार्व. ठीक है, कार्व यहाँ पर निकालने के लिए हमें बोला गया है. कार्व वन मिनट जस्ट. एंड यहाँ पर मेन फीचर जो है वो दिखाना है. ठीक है, बस यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ठीक है नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये सब दिखाना है. मेन फीचर क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस रीजन ऑफ वेरी स्टेबल न्यूक्लियड फिशन फ्यूशन क्या होता है ये सब दिखाना है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर. ठीक है, ये दिखाने के लिए बोला गया था. उसमें 5 मार्क्स है. डिफाइन मेन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन देखेंगे. मेन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. मेन लाइफ का तो यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दिया गया, बस यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेन लाइफ से वही लिख दीजिएगा. एवरेज और मेन लाइफ ये क्या होता है, यहाँ पर 1/टाउ इंटीग्रेशन 0 to infinity टी पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी ये होता है यहाँ पर मेन लाइफ. या फिर यहाँ पर देखिए टी टी बार दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity ई पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी दिस इज इक्वल्स टू टाउ टाउ. इसे हम क्या कहते हैं, मेन लाइफ कहते हैं. रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इक्वल टू यहाँ पर टाउ होता है. एंड यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया. देखिए यहाँ पर एसएक्यू टू में, एसएक्यू टू का ही टू मतलब क्वेश्चन ही है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम. एसएक्यू टू का आंसर बुक में गिवन है, इस वजह से मैंने नहीं किया है, आप लोग बुक से देख लीजिए. हाँ, ये देखिए एसएक्यू टू, हाँ 20 मंथ्स यहाँ पर आ गया है. पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टी हाफ
टाउ क्या दिया गया है, 14.43 मंथ्स। टी हाफ निकालेंगे 0. से लॉग 2 मतलब 0.693 से मल्टीप्लाई करके तो 10 मंथ्स आ जाएगा। 75 सब्सटेंस डीके तो 25% रिमेन, तो एन इक्वल्स टू 25 एन 0/100 हो जाएगा, मतलब एन 0/4 तो 1/2 मतलब सॉरी 1/2 स्क्वायर एन 0, तो हाफ स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू हाफ पावर टी बाई टी हाफ, तो यहाँ पर टी बाई टी हाफ इक्वल्स टू 2 है, तो टी इक्वल्स टू 10 इंटू 2 मंथ्स मतलब यहाँ पर 20 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5C, फॉर टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी इन ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम सो दैट द एक्टिविटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन द पेरेंट न्यूक्लियर बाय ए फैक्टर लैमडा बी बाय लैमडा बी माइनस लैमडा ए हो रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका आंसर जो है ये इसी में है, ऐसे क्यू 7 है। ये देखिए फॉर एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एंड बी ट्रांजिस्टर इक्विलिब्रियम, तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया इस इक्वेशन को भी यहाँ पर क्या करना है, डिराइव करना है, डेरिवेशन इसका लिखना है एन बी बाई एन एन, क्योंकि 5 मार्क्स है ना, नहीं तो 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा ए बाई लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, तो यहाँ पर हैंस द रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ए बी बाई यहाँ पर ए है, दिस इज इक्वल्स टू दिस टर्म आ जाएगा ए बी, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बी बाई लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, दिस इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आंसर है। तो उसके बाद ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। बस हमने मैंने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों को सिर्फ आंसर बता दिया है, कोई भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है। आप लोग पहले बुक पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को देखिए। ठीक है।